अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने कसा शिकंजा, ईडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, 7 फरवरी को सुनवाई, अब क्या करेंगे केजरीवाल। एक समन, दो समन, 3, 4 और 5 समन, ईडी ने अब तक 5 समन केजरीवाल को भेजे, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हर बार ईडी को ठेंगा दिखा दिया, हर बार ईडी के समन को गैरकानूनी बताया और उनके सामने पूछताछ के लिए पेश होने से साफ तौर से इनकार करते रहे। लेकिन अब ईडी ने केजरीवाल को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तरफ एक बड़ा कदम उठा दिया है, क्योंकि अब ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी अब दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पड़ी इस शिकायत पर दलीलें सुनी और आगे की दलीलें सुनने के लिए 7 फरवरी तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है, यानी कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पिछले 1 साल में 5 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने हर समन को अवैध बताया और ईडी के सामने अभी तक पेश नहीं हुए। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार इसे अवैध करार दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसके अलावा शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नाटकीय स्थिति भी बनी नजर आई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम विधायकों के खरीद फरोख्त करने के प्रयास के आरोपों की जांच करने उनके घर पहुंची थी, जहां दिल्ली पुलिस ने घर के किसी भी सदस्य को नोटिस देने से मना कर दिया था। दिल्ली पुलिस बार बार यही जोर दे रही थी कि वो ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को ही देंगे, क्योंकि ये नोटिस उन्हीं के नाम से है। ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस के बहाने गिरफ्तार करने आई थी। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे। वहीं अब 7 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही ईडी की शिकायत पर अगली सुनवाई है। बहरहाल अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आगे क्या होगा, इसके लिए 7 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।